नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आज हम आए हैं एशिया के सबसे पहले और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। ये विश्वविद्यालय कोई और नहीं, माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल है। खास बात यह है कि ये विश्वविद्यालय अपने विशालकाय भवन में शिफ्ट हो चुका है। बहुत बड़ा भवन है, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन सब में हम आपको पूरा भवन भी दिखाएंगे और डिटेल में बताएंगे कि यहाँ क्या क्या है और सबसे मेन बात ये भवन कितने एकड़ में फैला हुआ है, इसके लिए हम बात करेंगे अंकित जी से। अंकित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बहुत विशाल का भवन है, कितने एकड़ में ये जमीन? शेफाली जी, आपका एशिया के पहले, देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। हमारे 5 कैंपस हैं, एक भोपाल में एमपी नगर में जो हमारा ओल्ड कैंपस है, आप जहाँ खड़ी हैं बिशनखेड़ी में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का, ये बिशनखेड़ी का न्यू कैंपस है। ये 50 एकड़ में भव्य परिसर है। हमारे यहाँ 2 एकेडमिक बिल्डिंग है, जिसका एक बिल्डिंग का नाम हमने तक्षशिला रखा है, दूसरा विक्रम शिला। माननीय कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश सर ने एक नेशनल म्यूजियम की स्थापना की है, जो देश में अपने आप में एक मानक स्थापित करती है। साथ ही बच्चों के ऑडिटोरियम को ध्यान में रखते हुए हमारा एक गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार है, जो 800 सीटर, और एक मुक्त आकाश हमारा खुला मंच है, जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें बच्चे नुक्कड़ नाटक से लेकर किसी प्रकार के प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी एक 400 सीटर का है। साथ ही माननीय कुलपति जी ने वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में भी जिम की स्थापना की है। इसके अलावा हमारी जो एकेडमिक्स के लोग हैं उनके लिए क्लब की व्यवस्था है, जिसमें स्विमिंग पूल है, पार्टी हॉल्स हैं, साथ ही उनके रेजिडेंस के लिए यहाँ भव्य सुविधा है। एक अच्छा परिसर है, एक अच्छे माहौल में, एक खुला और शुद्ध वातावरण में आप इस परिसर में पढ़ाई के साथ साथ एक सांस्कृतिक मंच और एक नई विरासत को अपने साथ में संजोए हुए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आपको पत्रकार बनना है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, भोपाल के बिशनखेड़ी में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय तक बस आना है। हम आपको दिखाते हैं आगे कि अंदर इस भव्य भवन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और जैसा कि अंकित जी ने बताया कि क्या क्या यहाँ पर खास विद्यार्थियों के लिए किया गया है। विश्वविद्यालय के बारे में हम आपको जानकारियां दे रहे हैं और आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जब किसी विद्यार्थी को एडमिशन लेना होगा तो सबसे पहले यहाँ प्रशासनिक विभाग में आना पड़ेगा। ये पूरा प्रशासनिक महकमा यहाँ बैठता है और यहीं पर कुलपति महोदय भी बैठते हैं और अब हम कुलपति महोदय के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कॉलेज के बारे में। हम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के केबिन के बाहर हैं। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलवाने के लिए। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय की। सर नमस्कार, इस वक्त मैं यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति, सर कुलपति कहूँ कि कुलगुरु? अब मध्य प्रदेश में तो अब कुलगुरु हो गया है। कुलगुरु मतलब कुलपति, मध्य प्रदेश शासन ने नियम बना दिया है कि अब जो कुलपति हैं वो कुलगुरु कहलाएंगे। बिल्कुल, तो केजी सुरेश जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। कि सर, दखल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि अब आप हमको हमारे पहले तो आप अपने केबिन से ही शुरुआत करें। लोग जो है सीसीटीवी लगाते हैं कमरे में जी, और मैं यहाँ का विश्वविद्यालय का विहंगम दृश्य देखता हूँ, लेकिन मुझे एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है। बहुत खूबसूरत है ये विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में सब कुछ है अगर आप यहाँ देखेंगे। और उधर जो है गर्ल्स हॉस्टल है, नर्मदा गर्ल्स हॉस्टल, APJ अब्दुल कलाम बॉयज़ हॉस्टल है, आगे जो है रिहायशी इलाके हैं और रिहायशी इलाके के साथ साथ जो है हमारा क्लब है, कुलपति निवास है वहाँ, और इस तरफ आप पीछे की तरफ देखेंगे तो एकेडमिक ब्लॉक है। बड़ा बड़ा अच्छा है कि यहाँ बिल्कुल कुलपति की नज़रें जो हैं यहाँ बॉयज़ हॉस्टल पर जाकर टिक रही हैं, तो कुछ गड़बड़ होने की गुंजाइश तो बनती ही नहीं है। जी, देखिए हमारे तरफ से तो कम से कम प्रयास ये है, अभी हमने हाल ही में जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल्स में हमने जिम शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के बीच में नशीले पदार्थ जैसे जो है कोई कमजोरी ना आए, है ना, इसलिए उनको हेल्दी एंगेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो एक तरफ फिजिकल
उनका जो है क्वालिटी जो है फिजिकल पर जोर देना चाहिए उसके लिए है। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा संदीपनी ध्यान केंद्र है, ध्यान केंद्र का उद्देश्य है कि मन में तनाव हो सकता है तो तनाव से वो मुक्त रहें, इसके कारण जो है हमने ध्यान केंद्र बनाया है। आप जिस ध्यान केंद्र की बात कर रहे हैं वो अभी हमने नहीं देखा है, तो मैं बिल्कुल कार्यालय का आप जैसे जानते हैं हमारे विश्वविद्यालय के जो विजिटर हैं जी, हम जनसंपर्क जो विभाग है उसके मातहत हम लोग कार्य करते हैं, हमारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आता है हमारा विश्वविद्यालय। तो हमारे जो विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं वो गवर्नर साहब नहीं है, हमारे विजिटर जो है माननीय उपराष्ट्रपति हैं। तो ये बड़ी खास बात है, लोगों को इस बात की जानकारी थोड़ी कम रहती है। हाँ। तो जैसा सर बता रहे हैं, और सर आपके कॉलेज की बहुत सारी खासियत हैं और बहुत विशाल है भवन है आपका जी, जी, जी। तो इस भवन के मेंटेनेंस से लेकर डिपार्टमेंट तक की मैं सारी जानकारी आपसे चाहूंगी कि आप हमें बताएं। देखिए कहीं कोई दो राय नहीं कि देश का सबसे बड़ा एशिया का सबसे पहला ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, लेकिन ये बहुविषयीय विश्वविद्यालय है। पूरे मध्य प्रदेश में हमें जाना जाता है पत्रकारिता विश्वविद्यालय, लेकिन यहाँ पत्रकारिता का ही नहीं अध्ययन होता है। एक तो पत्रकारिता से जुड़े जो मीडिया के विभिन्न आयाम हैं जिसमें न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, और अभी पिछले वर्ष से हमने शुरू किया सिनेमा अध्ययन विभाग, सिनेमा का अध्ययन भी यहाँ होता है। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो अविभाजित मध्य प्रदेश है उसमें अगर गाँव-गाँव तक कस्बे-कस्बे में अगर कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाया है तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने पहुंचाया है। देश का पहला BCA प्रोग्राम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये हमारे विश्वविद्यालय ने शुरू किया। हमारा विश्वविद्यालय में जो कंप्यूटर कोर्सेस है वो AICTE अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। इसी प्रकार AICTE अप्रूव्ड है हमारे जो मैनेजमेंट के, हमारा मैनेजमेंट विभाग भी है जिसमें मीडिया से रिलेटेड भी हम लोग कराते हैं। देश में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में कोर्स किया जाता है, फुल 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम एनिमेशन में होता है लेकिन ग्रेजुएशन नहीं होता है। सर मैं ये चाहूँगी कि हम ये सारी बातें और सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो चलते चलते देखते भी जाएं। अपने विभाग अध्यक्षों के साथ अलग अलग विभागों के साथ अलग अलग मीटिंग लेता हूँ, तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तो बाहर से कॉन्फ्रेंस के लोग आते हैं जो भी अटेंड करते हैं, ये सिर्फ इंटरनल मीटिंग्स के लिए है। यहाँ बाहर के लोगों के लिए हम ना किराए पर देते हैं ये, इसको इसका एक पवित्रता है, इसकी सैंक्टिटी है। और यहाँ इवन जो PhD के प्रेजेंटेशन, शायद देश में एकमात्र विश्वविद्यालय जहाँ कुलपति स्वयं बैठते हैं फर्स्ट पावर पॉइंट से लेकर आईवा तक, आज के दिन जो है 3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो चुके हैं। तो यहाँ यहीं रख कर मैंने जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिए थे, ये हमारा स्क्रीन है डिजिटल पूरा। अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं कि यहाँ पर ये कुलपति सिर्फ बैठते नहीं हैं, यहाँ पर आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। सर अभी तक ये होता था कि कुलपति फाइनल प्रेजेंटेशन ही देखते। हाँ हाँ, अभी मैं फर्स्ट पावर पॉइंट से लेकर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक जिसे कहते हैं कि एक चर्चा ये बन गई थी कि माखनलाल से बड़ा आसान होता है PhD करना। हाँ, मैंने कह दिया कि इसको जो है इसको टफ करना है। कोई भी आके जो है PhD करके निकल गया ऐसा नहीं होगा। यहाँ गुणवत्ता को हम बना के रखेंगे, इसलिए हम गुणवत्ता पर जोर दे रहे हैं। और कई बार देखा है कि विषयांतरित हो जाते हैं, अगर वाइस चांसलर खुद बैठे हुए हैं और एक एक विषय पर अपना इनपुट दे रहे हैं कि इसको इस तरीके से होना चाहिए, तो उसका अलग ही क्वालिटी हो जाता है। अब एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, विशेषज्ञ मध्य प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, ब्लेंडेड मोड में ले रहे हैं हम, और उन सबको हम जोड़ रहे हैं। और हम सिर्फ इनपुट ही नहीं, हम अब एंकरेज कर रहे हैं कि आप PhD करते वक्त आप डॉक्यूमेंटेशन करिए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए। इस तरीके से गुणवत्ता पर हम लोग जोर दे रहे हैं। और ये देखिए कि अब उनका प्रकाशन बहुत जरूरी हो गया है, स्कोपस इंडेक्स में हो गया है, मीडिया मीमांसा में हो गया है, हम मैंडेटरी कर दिया है। एक मैंडेटरी हमने किया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान या इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत अहमियत दिया गया है। हमने कहा है कि हर थीसिस को जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ना होगा, आपको बताना होगा कि इसका प्रासंगिकता क्या है, यह बताना पड़ेगा। इसलिए हमने PhD पर जो है क्वालिटी पर, याद रखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि PhD फाइनल वाइवा में आके रिजेक्ट होता है,
ये पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। ये मैं सुन रही हूँ तो मुझे अब ऐसा एहसास हो रहा है कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना इतना आसान नहीं है। माखनलाल से तो नहीं होगा। सर आगे मैं चाहूंगी कि आप यहाँ डायरेक्टर ट्रेनिंग है, अब हम ट्रेनिंग पे काफी जोर दे रहे हैं। यहाँ डायरेक्टर ट्रेनिंग बैठते हैं, निदेशक ट्रेनिंग। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश शासन ने, जनसंपर्क विभाग ने गैजेट नोटिफिकेशन निकालकर सितंबर 2020 में मेरा कार्यभार संभालने के बाद एक आदेश निकाला है जिसके तहत माखनलाल विश्वविद्यालय अब जनसंपर्क के अधिकारियों का प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों का दायित्व तो हमको दिया गया है। तो अब हम ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए जो हमारा जो पुराना परिसर है जिसको अब हम नगर परिसर कहते हैं, नगर परिसर में अब हम बहुत बड़ा ट्रेनिंग का सेंटर बना रहे हैं। और वहाँ जो है हम न सिर्फ जनसंपर्क के अधिकारियों को अपितु जितने सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, इसी तरीके से निजी क्षेत्र की संस्थाएं, इनका कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग अब हमारा ये ट्रेनिंग विभाग जो है उसको लेगा। और वहाँ हमने एक फुल टाइम निदेशक भी लगाया। किताबी पढ़ाई पर्याप्त तो नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो सर आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत आगे की सोच कर चल रहा है। मेरा और... मानना है कि विश्वविद्यालय माखनलाल विश्वविद्यालय, देखिए चाइना में नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी है, भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। मेरा मानना है कि अगर भारत में कोई एक संस्था है जो नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी या राष्ट्रीय संचार विश्वविद्यालय का स्थान ले सकता है तो माखनलाल विश्वविद्यालय है। और इसलिए इसको देश का एक कम्युनिकेशन थिंक टैंक बनने की ज़रूरत है। हमको समाज से कट के नहीं, समाज का एक अभिन्न अंग बनकर, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या नीति निर्धारक हैं, सरकारें हैं, वो माखनलाल विश्वविद्यालय से पूछें कि हम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, आप एडवाइस दें, तब जाकर मैं समझूंगा कि हमारा जो काम है वो सही मायने में सार्थक होगा। बिल्कुल, जब तक आपको याद ना किया जाए तब तक समझ में नहीं आता कि वाकई में आप याद करने की स्थिति में आप आए हैं कि नहीं। प्रशासनिक भवन है जिसका नाम हमने दिया है चाणक्य भवन। चाणक्य भवन हमने इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि चाणक्य पूरे विश्व में अपने अर्थशास्त्र के लिए, अपने चाणक्य नीति के लिए, यानी कि किस तरीके से सही मायने में प्रशासन किया जाए, प्रेरणा स्रोत हैं हमारे पूरे भारत के लिए। तो उनके नाम पर ये भवन जो है हमने, जहाँ चाणक्य नीति चलती है वहाँ तो युद्ध जीतना कोई हरा ही नहीं सकता। परिसर में लिफ्ट भी है, स्टेयर्स भी बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयर्स का प्रयोग करें, ये बड़े बुजुर्गों के लिए छोड़ दें, क्योंकि इस उम्र में ही अगर वो लिफ्ट की आदत लग गई तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने भी ये जनरल गाइडलाइन ये है कि यहाँ जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी हैं, अगर उनको कोई शारीरिक समस्या ना हो तो उनको सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको ये विश्वविद्यालय की एक प्रदर्शनी, स्थायी प्रदर्शनी लगी हुई है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे कुछ कुछ अभी डेटा को अपडेट करना है, ये रीवा का परिसर है। आपको पता होगा कि मेरे पूर्व में यही तय किया गया था इस परिसर को बेचने का, और हमारा पूरा परिसर यहाँ हस्तांतरित हो गया है और बहुत सारे नए पाठ्यक्रम हमने यहाँ शुरू कर दिए। ये हमारा खंडवा का परिसर है, करमवीर परिसर है। पिछले वर्ष यहाँ कोई भी पत्रकारिता का विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पाया, इस कारण हमने जो है वहाँ के निदेशक को तक हटा दिया ताकि इस बार जो है पत्रकारिता के विद्यार्थी जरूर जुड़े। ये दतिया का परिसर है। दतिया का परिसर पहले दतिया शहर के बाहर जो है खैरी गाँव से चलता था। मैं पहला कुलपति हूँ जिसने दतिया परिसर का दौरा किया, और उसके बाद हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब माननीय गृहमंत्री श्री नरोत्तम मिश्र जी के आशीर्वाद से हमको शहर के बीच में एक जगह मिला है जहाँ से केंद्रीय विद्यालय का पुराना परिसर है वो अब हमारा नया परिसर हो गया है, और अभी इसी 10 तारीख को उसका विधिवत उद्घाटन होगा। पत्रकारिता में अगर एडमिशन लेना है तो आप रीवा भी जा सकते हैं, आप खंडवा भी जा सकते हैं, और आप दतिया में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत सहूलियत भरी चीज़ है, जो दूर दराज के लोग हैं वो अपने क्षेत्र के आसपास के कॉलेज में भी पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। ये कई विश्वविद्यालयों के साथ, यूनिसेफ के साथ, यूएन पॉपुलेशन फंड के साथ जो हमारे अनुबंध हुए हैं, जिसके तहत विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का और शिक्षकों का आदान प्रदान होगा,
विशेषज्ञता का आदान प्रदान होगा उसका अनुबंध के सिलसिले में है। ये अगर आप देखेंगे हमारे 1600 के करीब हमारे संबद्ध अध्ययन केंद्र हैं। अगर हमारे विद्यार्थियों को मेन UTD में या 4 परिसरों में एडमिशन नहीं मिलता है तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पहले हमारा लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चे हमारे संबद्ध अध्ययन केंद्रों में पढ़ते थे, लेकिन इस वर्ष जो है हमने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ के नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में 1,23,000 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में। मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी अगर आपको माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की मार्कशीट चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें 34 के करीब मीडिया शिक्षा के हैं, बाकी ज्यादातर जो है कंप्यूटर शिक्षा हुए हैं, जिसमें DCA और PGDCA का प्रोग्राम बहुत ही लोकप्रिय है। आज भी मुझे कहते हुए बड़ा ये लगता है कि आज पूरे प्रदेश ज्यादातर जो पटवारी हैं वो हमारे विश्वविद्यालय के पास आउट हैं। गर्व की बात होती है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ विश्वविद्यालय के छात्र मिलते हैं, मिलेंगे। ये वो कंपनियाँ हैं जहाँ हमारे बच्चों ने, अभी तो बहुत और नाम जुड़ गए हैं, आज ही मैंने जो है 8 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया है, जो उनको मिला है उनको सौंपा है। ये हमारी पत्रिका है, त्रैमासिक शोध पत्रिका है। इसका सबसे महत्व ये है कि इस बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मन की बात कार्यक्रम है उसका जब 100वां संस्करण हुआ तो पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, समाज शास्त्र का जो सबसे बड़ी संस्था है शोध का, उस संस्था ने और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने माखनलाल विश्वविद्यालय का त्रैमासिक पत्रिका का चयन किया मीडिया मीमांसा का, जिसमें मोदी जी के मन की बात का पूरी तरह शोध अध्ययन के साथ प्रकाशित हुआ। ये हमारा यूनिसेफ परियोजना है। कई नए पाठ्यक्रम भी जुड़ गए हैं, लेकिन ये जो हमारे 29 के करीब जो है हमारे पाठ्यक्रम हैं जो इस वक्त सिखाए जा रहे हैं, इसमें विभिन्न विभाग हैं, इलेक्ट्रॉनिक, पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क, न्यू मीडिया यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, और ये अभी हमने जोड़ा है फिल्म अध्ययन। पत्रकार बनने के लिए क्या कोर्स लेना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 8 कोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग, वहीं दूसरा विभाग है विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग, बात प्रबंधन विभाग की भी है यहाँ पर, और संचार जनसंचार विभाग भी यहाँ पर है। आप किसी भी विभाग से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय का हाईटेक क्लासरूम, और यहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, LED स्क्रीन है, यहाँ पर स्मार्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं वो लगती है। और यहाँ पर अभी चूँकि कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कितना यहाँ पर मज़ा आता है स्मार्ट क्लास में पढ़ने में। आप कौन से सेमेस्टर में हो अभी? मैम मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। मज़ा आता है प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास में पढ़ने में? यस मैम, काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी क्लासरूम भी ठंडा रहता है और इंटरेस्ट भी काफ़ी पढ़ने में आता है। मेन चीज़ ये क्लासरूम ठंडा रहता है, वरना पंखे धीरे धीरे चलते हैं। अभी तक स्कूल और कॉलेज की अगर आपको याद हो तो हम लोग पंखे के पर गिन लेते थे। क्या अभी आपका सब्जेक्ट है? मैम BSc MM मल्टीमीडिया। कैसा लगता है यहाँ की एकेडमी, कैसी है, कैसे ही पढ़ाई करवा रहे हैं? मैम अभी जो नया कैंपस बना है यहाँ पर, मतलब पढ़ाई बहुत काफ़ी अच्छी हो रही है और क्लासरूम भी काफ़ी अच्छे है। चलिए, बच्चों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है स्मार्ट क्लास का, और बच्चों को सुविधाएं मिले तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ कर गुजरने की भी चाह रखते हैं। छोटी स्मार्ट क्लास के बाद अब मैं आपको 120 सीटर स्मार्ट क्लास दिखा रही हूँ। यहाँ पर 120 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत हाईटेक स्मार्ट क्लास बनाई गई है। सीट्स को हमको यूं करके बैठना पड़ता है, टेबल्स इसमें यहाँ पर फिक्स हैं। 120 सीटर जो स्मार्ट क्लास है, इसकी भव्यता देखने को ही बनती है। स्मार्ट क्लास में आपको बता दूं कि यहाँ बच्चों के लिए AC भी लगाए गए हैं, स्पीकर्स हैं जिससे कि स्पष्ट उनको सुनाई दे। इन स्मार्ट क्लासेस की खास बात ये है कि यहाँ पर LED स्क्रीन बनाई गई है, और ये LED स्क्रीन क्यों बनाई गई है वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बाहर है और संवाद करना चाहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो इस LED स्क्रीन पर वो विजुअल्स आ जाते हैं, या कुछ
दिखाना है बच्चों को, कुछ शॉर्ट्स दिखाने हैं, कुछ सीन्स दिखाने हैं, या किसी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ उनका संवाद करवाना है, तो ये एलईडी स्क्रीन बहुत काम आती है। इसके साथ ही साथ पढ़ाई भी होती है एलईडी स्क्रीन पर, लेक्चर्स भी देते हैं। बच्चे अगर अपने किसी सीनियर के साथ संवाद करना चाहते हैं तो इस एलईडी स्क्रीन का भरपूर प्रयोग होता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खास बात ये है, यहाँ पर भी एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, स्मार्ट क्लास है। एलईडी स्क्रीन अगर ऑपरेट करनी है तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं डाइस है और डाइस पर कंप्यूटर लगा हुआ है, स्पीकर है, लैम्प है। बहुत ही टेक्निकल वे में ये पूरी क्लास तैयार की गई है और इतनी हाईटेक पढ़ाई अगर करवाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक उज्जवल भविष्य निकल के आएगा, यहाँ से एक बड़ा पत्रकार निकल के आएगा। और हो ना हो, पूरे देश में अगर कहीं जाते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बच्चे ज़रूर नज़र आते हैं। इस वर्ष से हम एक नया विभाग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय भाषा विभाग, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा को भी जो है बहुत महत्व दिया गया है। 4 साल का यूजी प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा बीए ऑनर्स साहित्य एवं अनुवाद। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो भी पाठ्यक्रम होगा वो रोजगार उन्मुखी होगा। उसका उद्देश्य तो बच्चा जो साहित्य पढ़ रहा है उसको अनुवाद भी सिखाया जाएगा ताकि उसका रोजगार का एक मार्ग निकले। ये हमारा ये है, ये कुछ हमारे नए स्तर के कुछ दृश्य हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 4 साल का यूजी प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने जो है लिया है। हमने पिछले वर्ष जो इंडिया टुडे का सर्वे 2021 का आया था उसमें 34वां स्थान पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में हमारा रहा। इसी तरीके से हमारा पूरे विश्वविद्यालयों में मीडिया के संस्थाओं में टॉप 10 में इंडिया टुडे का हमारा रैंकिंग हुआ है। ये पिछले के पिछले वर्ष का है, 1,03,000 हमारे बच्चे, इस वर्ष हमारा 1,23,000 विद्यार्थी हैं। हमारे 30 विद्यार्थियों ने NET यानी कि नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसमें से 8 JRF के बच्चे थे। और ये जो है हम एशिया का पहला और भारतवर्ष का सबसे बड़ा। और ये अब जल्दी ही हमारे परिसर से रेडियो करमवीर कम्युनिटी रेडियो सामुदायिक रेडियो हमको लाइसेंस भी मिल गया है, हमको जो है आपको जिसे कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी हमको अलॉट हो गया है और अगले 1-2 महीने के अंदर सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी हमारा शुरू हो जाएगा। और ये जो है आप देखेंगे कि ब्रांड न्यू कैंपस हमने 2 जगह शुरू किया है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम अक्सर हिंदी में होता है या द्विभाषीय होता है, लेकिन ये देखा गया कि कई बच्चे जो अंग्रेज़ी पृष्ठभूमि कॉन्वेंट एजुकेशन करके आते हैं वो पत्रकारिता अंग्रेज़ी में करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे विद्यार्थी बाहर क्यों जाएं? इसलिए हम इस वर्ष से अंग्रेज़ी पत्रकारिता का भी एक पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है क्योंकि वे ज़्यादातर संपन्न पृष्ठभूमि से वो बच्चे आते हैं तो हमने उसको सेल्फ फिनांस मोड में लिया है कि वे सेल्फ फिनांस मोड में आके कोर्स कर सकते हैं। ये जो है ये हमारे 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, ये ज़रूर आप देखिएगा। इसका नाम आपने देखा होगा कि ये विक्रमशिला है, ये पहला ब्लॉक है, और दूसरा जो है वो तक्षशिला है। ये देश के विख्यात, जिसको कहते हैं कि विश्वविद्यालय रहे हैं, प्राचीन विश्वविद्यालय। मेरा सौभाग्य रहा है नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, तीनों। तक्षशिला पाकिस्तान में मैंने जाके देखा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी देखा बिहार में, और नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष भी मैंने देखे। मैं वहाँ से प्रेरित हुआ और वहाँ से प्रेरित होने के बाद यहाँ हमने सोचा कि इसका नाम भी ऐसे ही होगा। आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो कुछ प्राचीन सा ही एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये हमने रखा है, ये पुस्तकालय जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैं ज़रूर आपके कैमरामैन से कहूँगा कि वो पैन करें, सामने का जो बिल्डिंग है वो हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है। हर विभाग का अपना एक पुस्तकालय है लेकिन ये जो है ये केंद्रीय पुस्तकालय है। इस केंद्रीय पुस्तकालय में जो है 40,000 से ऊपर पुस्तकें मीडिया से संबंधित हैं, यानी कि ये देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। 2, यहाँ हम एक म्यूजियम बना रहे हैं। जैसे म्यूजियम होता है वैसे म्यूजियम, इसमें 3 खासियत है, एक तो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, दूसरा म्यूजियम। म्यूजियम यानी कि हम डिजिटल मोड में भारत का और विशेषकर मध्य प्रदेश का, मध्य भारत की पत्रकारिता को हम डिजिटल मोड में विद्यार्थियों के लिए बनाएंगे।
मैं इस वक्त विश्वविद्यालय के सेंटर में खड़ी हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के भव्य भवन के सेंटर में हूँ। आपको बता दूँ कि मेरे राइट साइड पे यहाँ पर प्रशासनिक भवन है, जहाँ से पूरा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहीं पर होता है। वहीं मैं आपको लेकर चलती हूँ, अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि वो मेरे लेफ्ट साइड दिखाएं, यहाँ पर लाइब्रेरी है। तो मेरे राइट साइड में मैंने आपको प्रशासनिक भवन दिखाया और वहीं मेरे लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में अंकित जी से जानना चाहूँगी कि कितनी कैपेसिटी है और कितने बच्चे एक साथ बैठ के यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। सैपाली जी, ये केंद्रीय पुस्तकालय है, इसमें करीब 40,000 पुस्तकें हैं। यहाँ लाइब्रेरी से संबंधित जो कोर्स है उनकी पढ़ाई भी होती है, साथ ही यहाँ एक पत्रकार कैफे भी है और एक नेशनल म्यूजियम की स्थापना की गई है। उसके अलावा एक डिजिटल लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ बच्चे किताब जो पढ़ने के शौकीन नहीं है वो डिजिटल के माध्यम से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल किताबों में ढूंढने की बजाय लोग जो है वो गूगल बाबा से पूछते हैं, तो डिजिटल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है। वहीं आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो दो डिपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, एक है तक्षशिला, तो एक तक्षशिला डिपार्टमेंट है, एक विक्रमशिला डिपार्टमेंट है। दोनों ही डिपार्टमेंट में मैंने आपको जो 8 कोर्सेज के बारे में बताया था उनकी क्लासेस लगती हैं। जो मैंने आपको स्मार्ट क्लासेस दिखाई थी वो इन्हीं भवनों में लगती हैं, तक्षशिला भवन में और विक्रमशिला भवन में। किसी भी कॉलेज में लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, अपने थीसिस कंप्लीट करने के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक भव्य लाइब्रेरी भी बनाई गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि लाइब्रेरी में क्या खासियत है। किसी भी लाइब्रेरी में ज़रूरत होती है एक पॉजिटिव एनर्जी की और दूसरे शांतपूर्ण माहौल की। तो यहाँ लाइब्रेरी में दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं, बहुत ही शांत माहौल है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसे में पढ़ने में मन लगता है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जर्नल्स हैं, कई तरीके के आविष्कार और मास मीडिया और जनरल ब्रॉडकास्टिंग, कई तरीके के बुक्स रखी हैं और ये मैगज़ीन का कॉलम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही नामी ग्रामी मैगज़ीन ग्रह शोभा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और यहाँ पर इंडिया टुडे की मैगज़ीन भी रखी हुई है, सारी मैगजीन्स हैं यहाँ पर। तो काफ़ी मटेरियल यहाँ बच्चों को इस लाइब्रेरी में पढ़ने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे पुस्तकालय प्रभारी डॉक्टर आरती सारंग जी से। आरती जी, काफ़ी पीसफुल माहौल है यहाँ पर और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो आपने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। जी हाँ, हमारी लाइब्रेरी को, मतलब मेरी लाइब्रेरी है या विश्वविद्यालय से नहीं, परंतु हाँ, हमारी लाइब्रेरी को देख के आप ऐसा बोल सकती है कि यहाँ का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। एक तो विश्व हमारा कैंपस बहुत अच्छा है, फिर उसके अंदर लाइब्रेरी भी अपनी एक अलग जगह रखती है और अच्छा है। आपको पसंद आई है? देखिए, नहीं, मैंने यहाँ देखा काफ़ी अच्छा कलेक्शन बुक्स का है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लाइब्रेरी को? हमारे यहाँ 40,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, जिसमें मीडिया तो है ही है, कंप्यूटर से है, लाइब्रेरी साइंस है और हमारे पास में इंग्लिश हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा है, जिसमें नया भी आपको मिलेगा, पुराना भी बहुत लिटरेचर मिलेगा। और हमारे हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सोल सॉफ्टवेयर पे, तो जिसके उससे हम लोग क्लासिफिकेशन है हमारे यहाँ, उससे सारी बुक्स अरेंज होती है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आरती जी ने लाइब्रेरी को अरेंज किया हुआ है और नो डाउट अगर हम यहाँ के शांतपूर्ण माहौल की बात करें तो ये माहौल वाकई में पढ़ाई करने का है। इसके जो ग्राउंड फ्लोर है, जो यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट फ्लोर कहा जा सकता है, फर्स्ट फ्लोर में जब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ हमने बनाया है पत्रकार कैफे, अभी ये तैयार हो रहा है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है, यानी कि हमको PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उनके सहयोग से ये बन रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो पत्रकार बंधु शहर से आके, पत्रकारों का कई बार अध्ययन से नाता टूट जाता है, लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है ये पत्रकारों का विश्वविद्यालय है। हम चाहते हैं कि पत्रकार इधर आएं और अध्ययन भी करें, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी का लुत्फ भी उठाएं और थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, इसलिए वो पत्रकार कैफे बनाया है। वहाँ मशीन का व्यवस्था होगा,
चाय कॉफ़ी उनको प्रदान किया जाएगा। और ये जो है इसके सिवा वहाँ ध्यान केंद्र है, संदीपनी ध्यान केंद्र जो आपको सामने दिखाई देगा, और उस ध्यान केंद्र में थोड़ा सा तनाव से मुक्त होकर वो थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा एक एकेडमिक माहौल बनाया गया है। यहाँ भी हम लोग जो है आगे चलकर, अभी तो पेड़ कम है, सर ये एक हिंदू राष्ट्र है और आपने पूरे राष्ट्र को यहाँ पर लाकर संजो दिया है। तक्षशिला की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, ध्यान केंद्र की बात करें, चाणक्य की, संदीपनी के नाम, संदीपनी है, संदीपनी के नाम पर है, आप चाणक्य की बात करें, और आप और सुनिए, हमारा जो बॉयज हॉस्टल है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर है ना, हमारी जो गर्ल्स हॉस्टल है वो माँ नर्मदा हमारे जीवन, हमारा जो मध्य प्रदेश के, हम जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम लोगों का जीवन है, जीवनदायिनी है, तो उनके नाम पर है। इसके बगल में आप देखेंगे कि जो हमारा जो ट्रांजिट हॉस्टल है वो ट्रांजिट हॉस्टल हमने बाबा साहब के नाम पर किया है, जो समरसता के प्रतीक हैं। हमारे जो गेस्ट हाउस है वो जो है हमने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हमने किया है, मतलब है ना, इतिहास को बहुत ज़्यादा पढ़कर याद करने की ज़रूरत नहीं, आप आइए तो सही विश्वविद्यालय, बिल्कुल। और सुनिए, हमने क्या किया है कि जो हमारा व्यायामशाला है जिसको क्लब कहते हैं, जहाँ तैराकी का भी व्यवस्था है, वेट लिफ्टिंग का भी है, इसका हमने नाम दिया है लच्छित बोरफुकान व्यायामशाला, यानी कि लच्छित बोरफुकान उत्तर पूर्व का वो जो जिसे कहूँगा मैं वो वीर योद्धा जिसने 17 बार मुगल सेना को परास्त किया और ब्रह्मपुत्र पार करने नहीं दिया, और जिनको राष्ट्रीय पटल पर पहली बार माननीय प्रधानमंत्री लेकर आए, उनके नाम पर हमने जो है, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को उत्तर पूर्व के साथ भी एक नाता जुड़े, इसलिए हमने उस नाम को दिया। यहाँ अगर आप सभागार देखेंगे तो सभागार का नाम जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर है ना, जो पत्रकार भी रहे, एक बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी भी रहे, और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए भी काम किया। तो ऐसे प्रेरणादायी नाम हमने दिया है ताकि विद्यार्थियों को न सिर्फ कक्षाओं में पढ़ने को मिले, लेकिन उनको एक एक जो इमारत है उससे उनको देश के इतिहास और परंपरा से हम जोड़ सकें, ये हमने प्रयास किया है। शासन ने यूं ही नहीं कुलपति को कुलगुरु की उपाधि दे दी है। कुलगुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने एक एक शिष्य जो जा चुके हैं उनके बारे में और जो उनके साथ हैं उनके बारे में सोचे, और वो पूरे इतिहास, पूरे भारत को साथ लेकर चले। वैसे ही हैं हमारे माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KG सुरेश जी। और KG सुरेश जी से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आपने एक मुझे अभी बात बताई कि जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं या जो कभी सालों पहले यहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई किए हुए हैं उनके लिए आपने एक कैफ़े बना दिया है, तो और उनको कैसे जोड़े रखने के प्रयास रहे? देखिए, एक पूर्व छात्र प्रकोष्ठ हमने कोरोना के समय में हमने आयोजित, मतलब एक स्थापित किया। उसका उद्देश्य था कि जो हमारे पूर्व विद्यार्थी है, शायद इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के पूर्व विद्यार्थियों की तरह वो वित्तीय योगदान या आर्थिक योगदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन बौद्धिक योगदान दे सकते हैं, तो हम उनको कैसे जोड़ें? उसका एक तरीका ये है कि हमने एक नया श्रृंखला शुरू किया है जिसका नाम है सीनियर से संवाद, यानी कि हम जो सीनियर्स यहाँ से पास आउट है, और इतने नहीं कि 40 साल पुराने, उसमें विजय मनोहर तिवारी जी भी आएंगे, हैं, लेकिन साथ साथ जो 2 साल पहले जिस विद्यार्थियों ने आयुध मीडिया शुरू किया है उनको भी हम बुलाएंगे, और वे आके अपने जो अपने भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, उनके साथ संवाद करेंगे कि हमने किन संघर्षों का सामना किया और आज हमें उद्योग में सफल कैसे होना है, इसका जो है वो उनको नुस्खे बताएंगे। तो इसके लिए सीनियर से संवाद श्रृंखला शुरू किया है। एक और श्रृंखला हमने शुरू किया, सृजन। सृजन का उद्देश्य क्या है? सृजन का उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थी अब बहुत रचनात्मक कार्यों में भी जुटे हुए हैं। कोई फिल्म निर्माता है, अब दुर्गेश सिंह हैं, वो पंचायत और गुल्लक जैसे जो वेब सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ के स्क्रिप्ट राइटर हैं, अब वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी हैं, उनका योगदान है। हमारे और विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी जो है हु एम आई जैसे फिल्म बनाए, है ना, तो फिल्म के जगत में है, अन्य जो है कोई किताब लिख रहा है, तो हम उन विद्यार्थियों के साथ कि उनका जो सृजन है, उनका जो रचनात्मकता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है मंच, मंच प्रदान करना। अगर माखनलाल विश्वविद्यालय अपना मंच अपने पूर्व विद्यार्थियों को देता है तो उनको एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड मिल जाता है,
तो हम अपने पूर्व विद्यार्थियों को अभी दूसरा, एक तो हमारे पहले शुरू हमने किया, शिवाली श्रीवास्तव है हमारी यहाँ की विद्यार्थी है, उन्होंने अपना काव्य संग्रह लिखा। दूसरा जो है संजीव शर्मा जी हैं जो आकाशवाणी में समाचार संपादक है, उन्होंने अभी अपना यात्रा वृत्तांत 4 देश 40 कहानियाँ उन्होंने लिखी, उसको अभी हमने विमोचन यहीं करवाया। तो हम अपने पूर्व विद्यार्थियों को एक मंच, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, उनको हम एक मंच प्रदान कर रहे हैं, ताकि फिर हम पूरे प्रदेश के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, सबको बुलाते हैं कि देखिए ये हमारे विद्यार्थी हैं, इनका ये जो रचनात्मकता है इसको आप देखिए, तो उनको हम वो मंच प्रदान करते हैं। इस तरीके से जब भी उनका दुख सुख में, मतलब इतने कोरोना का बहुत ही दुखद एक समय था, हमने अपने कई विद्यार्थियों को, पूर्व विद्यार्थियों को खोया, हमने शोक सभाएं आयोजित की, उनके परिजनों को अपने साथ जोड़ा, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक भावनात्मक स्तर पर भी उनसे जुड़े रहें और उनके लिए जो भी यथा संभव, यहाँ जो पूर्व छात्र प्रकोष्ठ है, अगर कोई पूर्व विद्यार्थी का सर्टिफिकेट है, कोई भी समस्या है, तो वो आके प्रकोष्ठ को संपर्क करें, उनको न सिर्फ उनका काम हो जाएगा बल्कि उनको एक कप चाय पिला के छोड़ेंगे। तो ये बच्चों के लिए एक विशालकाय सभागार बनाया गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार, 800 सीटर ये सभागार है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ये मंच है, भव्य मंच है, और मंच में सबसे अच्छी बात यह है कि एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इस एलईडी स्क्रीन का फायदा यह होगा कि आपको बैकग्राउंड में कुछ नहीं करना, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी एलईडी स्क्रीन पर चला दीजिए, और ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के सभागार को इतना भव्य इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में जब कार्यक्रम होगा तो जाहिर सी बात है कि एक ग्रीन रूम की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको बता दूं यहाँ 2 ग्रीन रूम्स हैं और ये भी बेहद खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। ग्रीन रूम में आपको सोफ़ा के साथ अंदर रेस्ट रूम भी मिलेगा और वॉशरूम्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पर जो भी गेस्ट आएंगे उनको भरपूर सुविधा हॉल के साथ दी जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आयोजनों के लिए सभागार तो आपने देख ही लिया, 800 सीटर है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ विश्वविद्यालय के मुक्ताकाश सभागार में। ओपन थिएटर है, यहाँ पर थिएटर्स करने हैं, नाटक करने हैं या अन्य भी कोई कार्यक्रम करना है तो खुले आकाश के नीचे आप यहाँ पर, ये मंच है और मंच के सामने आप देख सकते हैं स्टेयर्स वाइज सीटें बनाई गई हैं, खुले आकाश के नीचे आप यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और ख़ास तौर पे ऐसे थिएटर्स में नुक्कड़ नाटक और मंच पर जो नाटक होते हैं वो देखने में ज़्यादा आनंद आता है। घर के मुखिया को हमेशा ये चिंता रहती है कि परिवार कैसे एकजुट बना रहे, तो वही हमारे कुलगुरु जो हैं उन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए, चाहे वो कितने भी बुज़ुर्ग हो जाएं, यहाँ से उनका नाता ना टूटे। सर अब मैं एक चीज़ और पूछूंगी, ये तो बुज़ुर्गों की और पूर्वजों की बात हो रही है, अब जो नए स्टूडेंट आते हैं उनकी क्या डिमांड्स रहती हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि नए स्टूडेंट के डिमांड के हिसाब से हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने डिजिटल क्लासरूम्स और बाकी सारे चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स, अब हम मध्य प्रदेश में अगर समझ लीजिए, अब आप सोच लीजिए कि केरला स्टोरी के जो निदेशक आए, उनके अदाकारा आई, वो किसी और विश्वविद्यालय में नहीं गए, हमारे विश्वविद्यालय में आए। विवेक अग्निहोत्री आए, कश्मीर फाइल्स बनाए, उन्होंने कश्मीर फाइल्स दिखाया तो माखनलाल में दिखाया, और किसी विश्वविद्यालय में नहीं दिखाया। अक्षय कुमार आए तो वो हमारे विश्वविद्यालय में आए, प्रीति झंगियानी आई तो हमारे विश्वविद्यालय में आए, जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं वो हमारे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय इंटेलेक्चुअल हब बन गया है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, और लेकिन साथ साथ उनकी ज़रूरतों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैसे कहा उनका स्ट्रेस है तो मेडिटेशन का सेंटर है, उनका अगर फिजिकल दिक्कतें हैं तो उसके लिए हम उनको, वो स्वस्थ रहें उसके लिए हमने जो है यहाँ जिम, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, लेटेस्ट इक्विपमेंट, आप जरूर जाके आप एक बार फिल्मिंग कीजिए वहाँ, क्या स्क्रीन में वो आपको दिखाएंगे वहाँ बच्चियाँ क्या करती हैं, वहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है। यही नहीं, हमने उनके लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, प्लस यहाँ जो आसपास का जो हॉस्पिटल है उसके साथ हमने अनुबंध किया हुआ है, तो हमारे विद्यार्थियों को भी CGHS रेट पे जो है वहाँ इलाज होता है। सर काफ़ी दूर है शहर से, कुछ दूर पड़ता है, ऐसे में बच्चों के कन्विंस के क्या सुविधाएं हैं या कुछ डेली नीड्स जो होती हैं बच्चों के उनके लिए? हम एक तो मार्केट इधर आ रहा है जल्दी ही,
अभी ये दुकानें हैं, इसको अलॉट कर दिया जाएगा अपने विश्वविद्यालय के अंदर। एटीएम लग रहा है, जियो का टावर आ रहा है, ये सब अगले 2-3 महीने के अंदर सारा व्यवस्था हो जाएगी। और इसके सिवा जो है हम लोग विद्यार्थियों को थोड़ा टेस्ट में वही कैंटीन का खाना वही वो, तो अब हमारे अगले 1-2 महीने के अंदर यहाँ फूड कार्ट्स लग जाएंगे, तो वो फूड कार्ट से जो है अपने पसंद के मोमो और भी बर्गर जो उनके पसंद की चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका प्राकृतिक माहौल के साथ समझौता किए बगैर इसका प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे, इसकी स्वच्छता बनी रहे, और इसका एक संस्कार है इस विश्वविद्यालय का, इसकी एक संस्कृति है, इसकी एक परंपरा है। यहाँ मैं फुहड़पन होने नहीं दूंगा, कम से कम मेरे रहते, ये तो मैंने तय किया है। यहाँ एक गरिमा है इस विश्वविद्यालय का, देश के बेहतरीन पत्रकार यहाँ से निकलते हैं, उस गरिमा को बना के रखना है। सर कन्विंस का मैं आपसे जानना चाह रही हूं। बिल्कुल, इस वक्त हमने 2 बस लगा रखी है जो शहर से कर्मचारियों के लिए भी बच्चों के लिए भी, ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है या तो हॉस्टल्स में रहते हैं या अपने कन्वेंस से आते हैं। हमने अभी हमारे शहर के जो मेयर हैं, मेयर साहिबा, महापौर आई थी हमारे विश्वविद्यालय में, उनको हमने यहाँ सम्मानित भी किया, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले सत्र से यानी कि जुलाई के सत्र से जो है यहाँ जो माई बस की जो रेड बस की सेवाएं हैं वो इस रूट पे शुरू करेंगे। हमें भरोसा है कि जो है वो जल्दी ही शुरू होगी। सर एक बाकी most आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। बिल्कुल, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, परिसर में जहाँ लड़के और लड़कियाँ रहते हैं, मेन चीज़ ये रहती है सर, रैगिंग जैसी एक इशू जो होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स भी घबराते हैं बच्चों को बहुत दूर तक लाने में, और बच्चों में भी ये डर रहता है कहीं हमारी रैगिंग हुई तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था? पिछले कम से कम 3 वर्ष से तो मैं यहाँ हूँ, एक घटना नहीं हुई है रैगिंग की। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ICC हमने बना रखा है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। और ये देखिए, ये मैं कहता हूँ, इसमें सिर्फ मेरा श्रेय की बात नहीं है, ये इस विश्वविद्यालय का इतिहास है। कभी भी किसी भी बच्ची की तरफ से या किसी संकाय की तरफ से या किसी कर्मचारी की तरफ से महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ का कोई घटना इस विश्वविद्यालय में अभी तक नहीं आया है। ये इस विश्वविद्यालय ने उस सम्मान को बना के रखा है, यहाँ महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है ये विश्वविद्यालय। कोई घटना थोड़ा भी कुछ होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, बर्दाश्त नहीं किया जाता है। सर, ये महिलाओं की जीरो टॉलरेंस है। आजकल के बच्चे लड़के भी परेशान हो जाते हैं रैगिंग को लेकर। नहीं, लेकिन रैगिंग की ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कुछ अगर एक आध बार पिछले वर्ष कुछ आरोप लगे थे, लेकिन आपस में बच्चों को बिठाकर वो समझौता हो गया उनका, तो ऐसे कोई बड़ी घटना जो है हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि ये सब आजकल UGC के पोर्टल में आ जाता है, वो सीधे UGC से निर्देश आ जाते हैं, हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। सब अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि हम सब अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। मैं कुलपति हूँ, लेकिन मैं रात को 10 बजे तक बैठा रहता हूँ, और विद्यार्थियों के लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन मैं सब विद्यार्थियों को मिलता हूँ, मैं खुद जाके मिलता रहता हूँ, तो हमारे विभागाध्यक्ष भी मिलते रहते हैं, तो कभी इस तरह की समस्या जो है, ओपन डोर पॉलिसी है हमारा। तो माखनलाल विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो रैगिंग जैसा कोई डर नहीं है, क्योंकि कुलपति के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। तो सर, मैंने आपके यहाँ हॉस्टल की बहुत तारीफ सुनी है, आपने 2 हॉस्टल बनाए हैं, एक गर्ल्स हॉस्टल एक बॉयज़ हॉस्टल, क्या कैपेसिटी है इनकी? देखिए, इसके 300 कैपेसिटी है, 150-150 की कैपेसिटी है, डबल शेयरिंग बेसिस पर है, और यहाँ मेस का भी अरेंजमेंट है, और मेस में कमिटी हमने बच्चियों का ही या बच्चों का ही, लड़कों का या लड़कियों का ही हमने बनाया है, वो तय करते हैं मेनू को, उस हिसाब से खाना बनता है। कोई छोटे मोटे शिकायत हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, कोई भी, एक जैसा नहीं, और कोई भी मैस आज तक मैंने, मैं बताता हूँ कि मतलब हमारे बच्चे भी जो है नामी संस्थाओं में पढ़ते हैं, लेकिन वो भी अपने मैस से खुश नहीं है, तो मैस में घर जैसा मम्मी का खाना तो नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है साहब, है ना, लेकिन अपनी पसंद के मेन्यू का खाना मिल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हम कोशिश करते हैं, लेकिन मेस में अब मैंने जैसे कहा जिम की भी सुविधा है, गर्ल्स में तो इंडोर जिम्स भी है, आउटडोर जिम भी है, 2-2 जिम हमने लगा रखा है। अब उनको सवेरे उठना तो उनको पड़ेगा, है ना, ये काम हम नहीं कर सकते, 6 बजे उठ के व्यायाम तो खुद ही करना पड़ेगा, तो ये है, बहुत ही उदार एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनीता द्विवेदी जी हैं जो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल मैनेज करती हैं, यहाँ पे वार्डन हैं आप,
Yeah, I'm chief warden for the girls and boys hostel both. और गर्ल्स हॉस्टल में मैं पूरे टाइम मिलती हूँ आपको, बट बेसिकली आई एम प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो यहाँ काफ़ी हाईटेक जिम बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि सभी तरीके की मशीनरीज यहाँ पर मिलेंगी. मैं हर्षित जी से बात करना चाहूँगी कि हर्षित जी हमको ये बता दें कि कौन सा इक्विपमेंट किस काम के लिए है. देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे VC सर है श्री KG सुरेश जी, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है इसमें इन्होंने एक नई पहल शुरू करी है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही फिट रहे. मतलब अक्सर देखा जाता है कि लड़कों में ही ज़्यादा क्रेज़ होता है कि फ़िट होने का, बट जो सर है सर की जो सोच है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि लड़कियाँ भी मतलब अपने आप को मेनटेन करें, फ़िट रहे और अच्छे से ये सब करें. राइट, ये ट्रेडमिल है, ये इलेप्टिकल है, इसको क्रॉस ट्रेनर भी हम कहते हैं, और ये स्पिन बाइक है दोनों, और ये फ्री वेट है जिसमें मतलब हम अपनी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर सकते हैं. तो ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ आपके दिमाग की कसरत के साथ साथ आपकी शारीरिक कसरत भी होती है, और जहाँ दोनों कसरत होती है वहाँ से एक स्वस्थ व्यक्ति ही निकल कर बाहर आता है. तो एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KG सुरेश जी हमारे साथ हैं, और सुरेश जी ने हमको बहुत खुलकर बताया कि वो कॉलेज में पूरे कैंपस में किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, बच्चों को कितना हेल्दी और स्वस्थ माहौल यहाँ पर मिलेगा, हॉस्टल में बच्चों को सर्वसुविधा युक्त कमरे और भोजन की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. सर, 8 तरीके के कोर्सेज़ हैं यहाँ पर. जी तो 8 तरीके के कोर्सेज़ हैं यहाँ पर. तो पत्रकारिता में अगर आपकी रुचि है या इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये विश्वविद्यालय सबसे मुफीद विश्वविद्यालय है. बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं. और मैंने जैसे कहा कि अब हम सिर्फ एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ हम लोग सिनेमा अध्ययन भी करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस भी है, लाइब्रेरी साइंस भी है, अब भारतीय भाषा का भी विभाग शुरू हो गया है. तो और भारतीय भाषा विभाग में मैं बता दूँ आपको, शायद इसी वर्ष से हम इवन सिंधी पत्रकारिता में भी हम लोग डिप्लोमा शुरू कर सकते हैं, और अगले वर्ष हमारा टारगेट है मराठी पत्रकारिता शुरू करने का. तो सिंधी, हिंदी, मराठी, हर तरीके की पत्रकारिता, अखबार के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, रेडियो के पत्रकार, डिजिटल के पत्रकार, फिल्म सिनेमा जगत की स्क्रिप्ट राइटिंग या मैगजीन, आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ आपको एक खुला मंच उपलब्ध हो रहा है. तो सर, आपने हमको ये सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया. धन्यवाद आपका, आप लोगों की शुभकामनाएं, और बहुत आवश्यक है क्योंकि ये मीडिया कर्मियों का ही विश्वविद्यालय है. हम यहाँ कभी बाद में फुर्सत में आपको जो सांधकालीन पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी बताएंगे जो पत्रकारों के लिए हमने तैयार किया है, लेकिन वो यहाँ से नहीं है संचालित हो रहा है, वो हमारा जो नगर परिसर है वहाँ से संचालित हो रहा है, ताकि पत्रकार जो है वो विश्वविद्यालय से जुड़े रहें, इसके लिए हमारा सतत प्रयास है. आप लोगों का सहयोग से ये विश्वविद्यालय नए मुकाम हासिल करेगा आने वाले दिनों में, ये मेरा पूरा भरोसा है. बिल्कुल, शुक्रिया सर. आपको इस कैंपस ज़रूर शहर से थोड़ा दूर है, कन्वेंस की सुविधा भी है, यहाँ आपको बैंक का ATM भी मिलेगा, कुछ ग्रोसरी शॉप्स भी यहाँ खोली जा रही हैं, ये सब कैंपस के अंदर है, बाहर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और कैंपस खुद इतना बड़ा है कि आप इसी के अंदर अपनी पूरी लाइफ को बहुत इंजॉय करके जी सकते हैं. मैं शेफाली गुप्ता, कैमरामैन नईम के साथ, दखन न्यूज़, भोपाल. मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है. इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी. योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है. योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है. 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है. चलो लाडली बहना. वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण. दखल न्यूज आपके हक में. आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।